बसमिल वरमल इब्राहिम सातम एक मरतबा अपनी बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे एक आदमी करीब से गुज़रा और गुज़रते हुए उसने अल्लाह शान में यह अल्फाज बुलंद आवाज़ में कहे वल सुबह नज़िल मल्कि वल सबह वल वज़मत वल वल्किबरियाजबरूत पाक है वो ज़मीन की बादशाह और आसमान की बादशाही वाला पाख है वज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला हैबत और कुदरत वाला और बढ़ाई और दबदबे वाला अल्लाह रब्ज़त की यह आज़मत बढ़ाई और तारीफ़ बयान की इब्राहिम सातम ने जब अपने महबूब हक़ीक़ी की तारीफ़ इतने प्यारे अल्फाज में सुनी तो दिल मचल उठा फरमाए भाई ये अल्फाज एक मरतबा और कह देना उसने कहा कि मुझे इसके बदले क्या देंगे आप फ़रमाया कि इन बकरियों का आधा रेवड़ उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिए आपको इतना मज़ा आया कि बेकरार होकर फ़रमाया है भाई ये अल्फाज एक मरतबा फिर कह दीजिए उसने कहा अब इसके बदले मुझे क्या देंगे फरमाया कि बकिया आधा रेवड़ उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिए आपको इतना सरूर मिला कि बेसाख्ता कहा है भाई ये अल्फाज एक मरतबा और कह दीजिए उसने कहा अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं अब आप क्या देंगे फ़माया भाई मैं तेरी बकरियाँ चराया करूँगा तुम एक मरतबा और मेरे महबूब की तारीफ़ कर दो उसने कहा हज़रत इब्राहिम ख़लीलुल्लाह आपको मुबारक हो मैं तो फ्रिश्ता हूँ मुझे अल्लाह तेजा है कि जाओ और मेरा नाम लो और देखो कि वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है अल्लाह अल्लाह अल्ला इज़्ज़त हमें भी अपनी मोहब्बत ख़ासा नसीब फरमा दें और अपने महबूब बंदों में हमें शामिल फ़रमा लें व आखिर दाउाना रब्बिल आलमीन